कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। यहाँ पर सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नहीं है, सिर्फ नवनीत राणा ही नहीं है, अब यहाँ पर राज ठाकरे भी आ गए हैं, जो यहाँ पर खुली चुनौती और धमकी देते नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे को। बताते चले कि महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। उनकी पार्टी मनसे ने पोस्टर लगाकर शिवसेना पर तंज कसा है। इसमें शिवसेना की ओर इशारा करते हुए पूछा गया है कि अब कैसा लग रहा है। मुंबई के साकिना का इलाके में एमएनएस का ये पोस्टर लगा हुआ है। अजान विवाद से ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार के सामने खुलकर खड़े हो गए थे। उन्होंने सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर अल्टीमेटम दिया था और वही शिवसेना में बगावत के कारण महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार संकट में पड़ी हुई है। इस बार बगावत किसी अपने नहीं बल्कि बाहरी ने की है। बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने उद्धव के पैरों तले जमीन खिसका दी है। सारे हथियार डालने के बावजूद वो एकनाथ शिंदे के साथ गए बागी विधायकों को अपने खेमे में नहीं ला पा रहे हैं। शिंदे की तुलना में संख्या बल में वो फिसड्डी साबित हुए हैं और इसे देखते हुए उनकी सरकार के भविष्य पर अटकलें लगाई जाने लगी है। सत्ता के संघर्ष में एमएनएस भी कूद गई और वहीं पर राज ठाकरे की पार्टी ने शिवसेना पर तंज कसा है। मुंबई ने साकिना का इलाके में जिस तरीके से पोस्टर लगाया वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। वहीं पर बता दें कि हाल के दिनों में कई मुद्दों पर शिवसेना और एमएनएस आमने सामने दिखे हैं। अजान विवाद का पूरा मुद्दा इसमें सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। अजान विवाद के बीच राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि वह इस मुद्दे को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। वह बोल रहे थे कि लाउडस्पीकर नहीं उतरे तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। और वहीं पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई की लीलावती अस्पताल में हिप प्लेसमेंट सर्जरी कराई और सर्जरी कराने वाले डॉक्टर ने बताया था कि वो अगले 2-3 महीनों में सामान्य गतिविधियों को जारी कर पाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ से उद्धव ठाकरे फंसते नजर आ रहे और यहाँ पर अब राज ठाकरे भी आ गए, तो क्या लगता है कि अब यहाँ पर हार मान लेंगे उद्धव ठाकरे? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।